तो हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। गाइस, ये आप एंड तक पूरी वीडियो देखते हो तो गाइस, आज जो वीडियो होने वाली है, जिस टॉपिक पे होने वाली है, वो है गाइस कमीशन वर्क्स। तो गाइस, कमीशन वर्क्स आपने नाम तो ही सुना ही होगा कभी ना कभी। गाइस, कमीशन वर्क वो होता है जो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी जो कोई स्केच आर्टिस्ट है उसको अपन, मतलब मान लो कि गाइज आप एक अच्छे स्केच आर्टिस्ट हो और मैं आपको एक ऑर्डर टाइप देता हूँ कि आपको मेरी एक स्केच बनानी है, तो वो होता है एक कमीशन आर्टवर्क जो मैं आपकी स्केचेस बना के जो ड्राइंग बनाऊँगा। तो गाइज वो ही गाइज मुझे एक और, मतलब इससे पहले मुझे 3 कमीशन आर्टवर्क मिल चुके हैं, अब गाइज मेरा 4th कमीशन आर्टवर्क आया है। तो गाइज इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है। और गाइज इसमें जो कमीशन आर्टवर्क में जो मुझे जिसकी ड्राइंग बनानी है, वो गाइज मैं उसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा, वो मेरे चैनल पर ज़रूर आएगी। और गाइज आपको बेसिक चीज़ बता दूंगी कमीशन वर्क में। आप मान लो कमीशन वर्क किसी का बनाते हो, तो गाइज उसमें बेसिक चीज़ें क्या ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो गाइज फर्स्ट बात तो ये होती है, जो आप आउटलाइंस लेते हो गाइज, ये जो अभी मुझे है, ये मुझे कमीशन आर्ट को मिली, ये अभी प्रिंट है, ये मुझे इसका स्केच बनाना है। गाइज इसका मुझे स्केच बनाना है जो मुझे एक और कमीशन आर्टवर्क मिला है। और गाइज इसकी मैं आउटलाइंस ड्रॉ कर चुका हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज वो ये रही, गाइज ये देखो जो आउटलाइंस बन चुकी है, काफ़ी लाइट पेंसिल से मैंने ड्रॉ की है। ये मैंने मैकेनिकल पेंसिल्स यूज़ करके पूरी आउटलाइन ली है, मेज़र वेजर सर सब किया है। अब गाइज अब बढ़ते हैं हम कमीशन आर्टवर्क की तरफ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कमीशन आर्टवर्क होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और हम कमीशन आर्टवर्क बनाएं तो कैसे बना पाएँ। तो गाइज इसके लिए गाइज कमीशन आर्टवर्क गाइज इसमें ये होता है कि गाइज मैंने आज तक कभी भी जो कमीशन आर्टवर्क बनाएगा उसमें, चाहे वो एक दिन का ही काम हो, लेकिन गाइज मैंने 3-4 दिन लगाए, क्योंकि गाइज कमीशन आर्टवर्क में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइज वो आपकी स्केच बिगड़ सकती है। इसलिए गाइज आप कभी भी कमीशन आर्टवर्क में जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि गाइज देखो यहाँ पे मैंने आउटलाइंस बनाई है, यही गाइज मैंने 1 घंटे में बनाई हुई, अच्छे से मेजर करके बनाई है, जिससे गाइज आप जिसको सामने वाले को आप मतलब अपना जो स्केच उनको बना के दे रहे हो कमीशन आर्टवर्क के तौर पे, गाइज वो एक अच्छा भी होना चाहिए और बिल्कुल एक रियलिस्टिक होना चाहिए। गाइज वैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ जो काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स होती हैं, गाइज मैं अपने कमीशन आर्टवर्क में भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वो लुक आया है उसमें। और गाइज इसका एक जैसे कमीशन आर्टवर्क में ये भी होता है कि गाइज आप मान लो किसी को, कोई भी अच्छे आर्टिस्ट को आप कमीशन आर्टवर्क देते हो ड्राइंग बनाने के लिए, तो गाइज उसमें ये बात काफ़ी होती है कि गाइज फ़ोटो गाइज आपको है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि गाइज आप कोई भी फ़ोटो भेज दो, गाइज उसमें फ़ोटो का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है स्केच पे गाइज, क्योंकि गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे A4 साइज है, अब आप 3 जनों की फ़ोटो बनवा रहे हो, तो गाइज उसमें क्या है, 3 जने फोटो में मतलब स्केच बन तो जाएगी गाइज, लेकिन उसमें बनाने में ही प्रॉब्लम आएगी गाइज। अब 3 जने का इतना, आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, गाइज वो इतना अच्छा डिटेलिंग नहीं होगा उसमें, इतने अच्छे फेस नहीं दिखेंगे, उतना प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। और गाइज ऐसे जो आपको कमीशन आर्टवर्क्स मिलते हैं जो जिसमें 6 से 7 लोग बनाने हैं, पर्सन्स बनाने हैं, उनके फेसेस बनाने हैं, तो गाइज इनके लिए तो गाइज बड़ी शीट्स कमीशन आर्टवर्क के तौर पे बनती है, जैसे A3 साइज चार्ट पे भी गाइज काफ़ी ज़्यादा स्केचेस बनते हैं, लेकिन गाइज इनमें ये फ़र्क होता है गाइज A4 साइज में गाइज आप कमीशन आर्टवर्क बनाते हो तो गाइज आराम से आप टाइम लगाना 3-4 दिन का, लेकिन गाइज आप A3 साइज पे या चार्ट पे बनाओगे तो गाइज कम से कम आप 5 से 6 दिन मान के चलो, क्योंकि गाइज बड़े चार्ट पे गाइज ऐसा काफ़ी लोगों को होता है कि कमीशन वर्क आकर बनाते जाते हैं, उनको मतलब ऐसा बोर हो जाते हैं इस तरीके से कि नहीं अब नहीं बनाना है, और फिर शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अपन को इंटरेस्ट होता है, लेकिन लास्ट में जाके बिल्कुल बेकार हो जाता है अपन की ड्राइंग। तो गाइज ये चीज़ नहीं करनी है, इसलिए गाइज पेशेंस होना चाहिए, इतना भी आप जल्दबाजी मत करना गाइज, आप ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो गाइज आपकी हो सकता है स्केच बिगड़ जाएगी। और गाइज हाँ, जैसे बीच में मैंने काफ़ी एक छोटे से बच्चे की भी जो मैंने A3 साइज पे ड्राइंग बनाई थी चारकोल पेंसिल से, जो गाइज मैंने ये वाली जो A3 साइज पर जो स्केच बनाई थी,
ये गैस कमीशन आर्टवर्क नहीं था, ये तो मैंने एक ऐसी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन गैस आप ये देख सकते हो। हाँ ये काफ़ी बड़ा फेस है, लेकिन इसको एथी साइज पे बनाने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। और गैस ये आपको ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। और गैस हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कमीशन आर्टवर्क में मान लो किसी सामने वाले आर्टिस्ट को फोटो भेजते हो, मतलब उनको आप कोई बनाने के लिए फोटो पिक किया भेजते हो, तो गैस इसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वो आर्टिस्ट भी वो चीज़ ध्यान रखता है कि गैस हमारे पास पूरा ए4 साइज शीट है, तो गाइज वो कैसा, मान लो गाइज आपने इतना भेजा कि इतना फेस है आपका, ये इतनी नेक है और ये क्लोथ्स हैं, तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट स्केच बनेगा। लेकिन गाइज कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो पूरा अपन बॉडी का ड्राइंग बनाते हैं, पूरा पोज का ड्राइंग बनाते हैं, गाइज उसमें ये चीज़ होती है कि फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा बनता है, फेस और ये बीच का और गाइज ये पैर की तरफ, तो गाइज वो इतना प्रॉपरली नहीं बन पाता है, क्योंकि गाइज वो एक ऐसा हो गया कि वो फिर है ना बड़े पेज पे अपन बनाएंगे A3 या A4 साइज पे, तो A4 साइज कैसर A3 और उससे बड़ी शीट जो आती है उन पे हाँ डिटेलिंग अपन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उनमें टाइम काफ़ी लगाना पड़ता है। और गाइज ये भी बात होती है कि अब आप किसी को कमीशन वर्क दोगे तो गाइज वो उसकी फ्री तो आपको देगा नहीं, तो गाइज वो उसकी फ़ी भी लेगा। तो गाइज मैं आपको अभी फ़ी तो बता नहीं सकता मेरी फ़ी क्या है, मतलब मेरा जो प्राइस क्या है। और गाइज जल्दी जो आपको स्केचेस बनवानी हो, कमीशन आर्टवर्क देने हो मुझे, तो गाइज उसके लिए एक अलग से भी वेबसाइट बनेगी, उसके लिए उस पर मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। और गाइज उसमें फिर उस वेबसाइट में आप मतलब मुझे कमीशन आर्टवर्क का ऑर्डर दे सकते हो, जिसमें जिससे मैं फिर आप तक मेरा कमीशन वर्क जो आपने मुझे दिया होगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा गाइज। और ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो आप कोई भी स्केच बनाते हो कमीशन आपको, उसमें ये सबसे ज़्यादा केयरफुली होती है कि गाइज आप कभी भी उसमें जल्दबाजी मत करना। आप एक आर्टिस्ट ही हो, लेकिन कभी भी जल्दबाजी मत करना, आप कभी भी जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है आपके स्केच बिगड़ जाए। ये गाइज मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मतलब मेरा एक फर्स्ट कमीशन वर्क था जिसमें मतलब गाइज आप ये मान लो मैंने उसको 3 से 4 बार बनाया था, गाइज उसमें दिक्कत ये आ रही थी मुझे, आउटलाइंस मैंने सही से नहीं ली थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी मुझे। तो गाइज आप भी जब भी आउटलाइंस लो तो गाइज काफ़ी आराम से लेना, और थोड़ा टाइम लगाना उस स्केच पे, क्योंकि गाइज आप जल्दबाजी करोगे तो आपकी कमीशन वर्क अच्छा नहीं बनेगा, और जो सामने वाला आपका जो मतलब जिसने आपको ऑर्डर दिया है वो इतना इंप्रेस नहीं होगा आपके स्केच से। तो गाइज कमीशन आर्टवर्क का मीनिंग यही होता है कि आप एक सामने वाले आर्टिस्ट को कोई स्केच देते हो वो बनाता है, और गाइज जो उस आर्टिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्ट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो फोटो है जो पिक है वो उसको बिल्कुल ओरिजिनलिटी मतलब पूरी रियलिस्टिक करके बनाए, जो मतलब सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और गाइज मे भी आपको कमीशन आर्टवर्क के बारे में काफ़ी पता चल ही गया होगा। गाइज कुछ भी इंक्वायरीज हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। गाइज तब तक के लिए बाय।